डायनामाइट सॉस, ये सिर्फ स्पेशली हमारे पास इसके लिए होती है, इसके अलावा किसी सैंडविच में नहीं मिलेगी। ये आ गई चीज स्लाइस, अब टेक्निकल काम आ गया। वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैरियत से हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई? बारिशों के बड़े मज़े ले लिए हैं और कराची वाले जो ना बारिश से बिल्कुल ही इस वक्त बेजार हो गए हैं। बेजार हो गए हैं, और ये बेजार तो खैर इस तरह से नहीं हुआ है, अगर मगर कराची में बारिश जो है जहमत बन जाती है, सड़कें और सारा पानी पानी। वैसे आप लोगों को स्विमिंग पूल वगैरह किसी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी सड़क पर निकल जाएँ कराची की तो स्विमिंग पूल के आप मज़े ले सकते हैं। राशिद बिल्कुल मज़े ले सकते हैं, और अभी भी मैं मज़े लेता हुआ यहाँ। खास बात मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें ना सिर्फ आप खुद नहा सकते हैं बल्कि आपकी गाड़ी भी और बाइक भी नहा सकती है। बिल्कुल फुली मतलब पूरा इन्जॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त वाटर पार्क मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की जो मशहूर तरीन जगह है, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर। अच्छा, हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक नया आइटम आया है कराची में। बिल्कुल, तो भाई ज़रा बताएं आप। अच्छा भाई, नया आइटम ये है कि एक तो हम ट्राई करने जा रहे हैं यहाँ पे जो ख़ास किस्म का इन्होंने रैप मुतारिफ़ किया है। रैप आपने खाए तो होंगे मुख्तलिफ जगहों पर, मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके का है वो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक टर्किश डिश है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, तो हम इनकी दूसरी आउटलेट पे आ गए हैं, यहाँ पर तैयार होगा हमारा रैप। तो ये भाई काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक हैं? क्या नाम है सर आपका? सर उमर। उमर भाई, बड़ी तारीफ सुनी है और बड़ी हाइप बनी है आपके रैप की और हुसैनाबाद में जो है ना। तो भाई थोड़ा हमें एक रैप तो बना के खिलाएँ ज़रा, ज़बरदस्त किस्म का। अरे सर बिल्कुल, आपको खिलाते हैं रैप। अच्छा बोलते रहते हैं, एक मिनट। ये जनाब रैप बनना शुरू हो गया हमारा, और ता भाई हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है जनाब, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और कराची में आपको पता है बारिश जो है वो लोग घरों को भागना शुरू कर देते हैं फिर फौरी तौर पे। ये चल रहा है जी रैप का सीन। अच्छा, इसमें सॉसेजेस डलते हैं दो और चिकन पीस डलता है? दो पीस सॉसेजेस के होते हैं इसके, ठीक है, 3 inches वाले। ओके, बाकी दो टेंडर ग्रिल के पीस होते हैं, टेंडर लॉयल के पीस कहलाते हैं। ओके ओके, दोनों ग्रिल होते हैं, ठीक है। ब्रेड आ गई है रैप के लिए, टॉडिया चौपाई ब्रेड बोलते हैं, चपाती आ गई, पर इसको इसका रियल नेम टॉडिया है। टॉडिया, टॉडिया ब्रेड, टॉडिया ब्रेड। वाह भाई, नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं इधर कराची में। सर बस नए बंदे नए नाम, न्यू जनरेशन। अच्छा, ये क्या डाले हैं आप? इसमें आइसबर्ग आ गया, आइसबर्ग आ गया, कैबिज नहीं डालते, आइसबर्ग डालते हैं ब्रांड लेवल। ओके, दिस वन इज कैप्सिकम, कैप्सिकम आ गई जी। कैप्सिकम के बाद हमारी इसमें जाएगी चिपोटले सॉस। दो लाइन के पीस, लॉइन शेर टेंडर के। ओके, इसके बाद अब आए हैं इसके ऊपर हम लोग। ये आगे जी सॉसेजेस जो है वो कटिंग कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतनी फिलिंग जबरदस्त भाई। इसके ऊपर इसकी सॉस जाती है डायनामाइट सॉस, डायनामाइट सॉस। ये सिर्फ स्पेशली हमारे पास इसके लिए होती है, इसके अलावा किसी सैंडविच में नहीं मिलेगी। डायनामाइट सॉस आ गई भाई। सॉस से आपको जो है ना, मतलब सॉस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, सॉस और क्वालिटी। सॉस का तो कमाल है भाई, क्या ख्याल है सर? सॉस का ऐसा कमाल है कि इस वक्त मेरे पास 26 सॉसेस यहाँ पे एट अ टाइम हमारे आउटलेट में पड़ी होती है। ये चीज़ आ गई जी, ये आ गई चीज़ स्लाइस, अब टेक्निकल काम आ गया।
वाह भाई, फुल ऑन सीन है, बिल्कुल सीन ऑन है, सीन ऑन है बड़ी। मैक्सिमम एक मिनट ग्रिल होगा, उसके बाद ये बाहर आके रैप पे सर्व किया जाएगा भाई। जब तक एक मिनट तक जो है वो आप लोग गैप ले लेते हैं, आप लोग भी इंतजार फरमाएं। अच्छा, इसके ऊपर कोई ब्रेड के ऊपर कुछ लगाते नहीं है आप? नहीं, ये बेसिकली थोड़ा ड्राई ब्रेड होती है, इसमें बटर स्कॉच जाता है, कस्टमर की रिकमेंडेशन है, हमारा बटर स्कॉच होता है जो साल्टी बटर के आते हैं, उसके ऊपर हम लोग उसकी फीलिंग करते हैं, पर कस्टमर रिकमेंडेशन के ऊपर होता है। फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर खाते हैं उनको डायरेक्ट खिलाते हैं ताकि फील है। तकरीबन आखिरी मराइल में हो गया, हो गया जनाब, हो गया हो गया हो गया। इसकी ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट होती है बिकॉज सॉसेज जो है ना इसके अंदर फुल ऑन लोडेड है आपके सामने। अगर आप बोले हाफ कटिंग करूँ तो हाफ कट भी हो जाता है, और अगर आप बोले प्रॉपर रैप करके देना प्रॉपर रैप भी हो जाता है। सही, इसकी कर दें हाफ कटिंग कर दें इसकी, ज़रा रिकमेंडेशन के ऊपर होता है हमारे पास, क्योंकि हमारा जो है ना वो थोड़ा सा रिव्यू का भी है आइडिया। इसको हाँ, वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। ये आ गए हमारे रिव्यू स्पेशलिस्ट ताहा भाई। ताहा भाई देसी खाना खा गा के आप तो आदि हो गए, देसी के ज़रा अभी मुख्तलिफ हो जाए भाई। देसी के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ टच भी होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो है हल्की हल्की फुहार हो रही है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और गर्म गर्म फूड स्ट्रीट टाइप की आप चीज़ जो है वो ट्राई करें। काफ़ी गर्म हो रहा है अभी, उठाने में भी जो है वो मुझे महसूस हो रहा है थोड़ा सा, या थोड़ा सा कट सही करते हैं, कट नहीं हुआ सही से, थोड़ा सा कट हम दोबारा करवा रहे हैं सही से। हो गया सही। जी भाई, ये बात बहुत ही ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा गर्म, मगर टेस्ट में बहुत मज़ेदार है। अच्छा, जो इसमें सॉसेज डले हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर हो रहा है, तो खाने में एक ज़बरदस्त सा आउटस्टैंडिंग सा टेस्ट आ रहा है। ब्रेड, इसकी जो ब्रेड है नाम दिया उन्होंने डोडिडा, वो भी एक अच्छा सा जो है वो फ्लेवर इन्हेंस कर रही है ज़बरदस्त। जी, प्रीमियम रैप आ गया है, और यहाँ हम खड़े हुए फ्री कैन फ्राई पे। अच्छा, फ्री कैन फ्राई जो है, मैंने जैसा कि लोकेशन बता दी है वीडियो में कि हुसैनाबाद पे कराची हलीम के बिल्कुल सामने और बराबर में दो इनके आउटलेट्स हैं, एक थोड़ा सा स्टॉल टाइप का है, दूसरा इन्होंने दुकान बनाई हुई है। तो ये प्रीमियम रैप जो है मेरे पास आ गया है जनाब, ये मैं ट्राई करता हूँ। ये आप देख रहे हैं फिलिंग, आपको सॉसेजेस भी नज़र आ रहे होंगे और चिकन का पीस नज़र आ रहा होगा। ओके, बहुत ही लगता है ज़बरदस्त सीन होने वाला है। थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है, टाइम मिल गया मुझे ठंडा करने का, ये मैं लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई ज़बरदस्त, थोड़ा सा साफ कर लूँ। लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त जायका है, और सॉसेज चिकन बहुत ही ज़बरदस्त जायका है, और ख़ासकर जो थाउजेंड सॉस है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना जायका दे रही है। ऊपर से इन्होंने जो सॉसेज डाले हुए हैं और चिकन का पीस डाला हुआ है, बहुत ही मज़े दे रहा है। कराची वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फूड आया है, फौरन तशरीफ़ लेकर आएँ कराची हलीम के बिल्कुल सामने हुसैनाबाद में, ज़बरदस्त। अच्छे, इसकी लोकेशन समझ लीजिए, ये गरीबा चौरंगी जो है इससे आप आ रहे हैं तो कराची हलीम के बिल्कुल बराबर में स्ट्रीक इन फ्राई, इस नाम से अभी ये नया सेटअप खुला है और बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी लोगों का रुझू है। ज़ारे नया आइटम है तो लोगों को ज़रा समझने में टाइम लगता है। अच्छा भाई, ज़बरदस्त किस्म का जो है वो हमने रैप खाया है, मेरा ख्याल है कि अब तक जितने भी रैप हमने खाए हैं वो मज़ेदार है और नंबर वन निकल भी है, इकोनॉमिकल भी है। वैसे रैप्स जो होते हैं उसके रेट ज़रा हाई होते हैं, इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब ठीक ठाक जो है ना वो
फिल करके उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, बारिश के हवाले से भी मज़ा आया कि बारिश हो रही थी और गरम गरम जो है रायो आपने खाया, गरम गरम खाने वाले ही आइटम है। वैसे तो पकौड़े अच्छे लगते हैं बारिश में, लेकिन इसने भी पकौड़ों का काम किया है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नए ब्लॉग पर। अल्लाह हाफ़िज़।